शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या बात है प्रिया, तुमने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? अगर लगी हो तो प्लीज बता दो। वैसे मैंने हर बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट यहां पर सबसे ज्यादा मैं तुम पर भरोसा करने लगा। अगर तुम्हें ये सब बुरा लगता है तो आई अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी। सर प्लीज, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैं किसी चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं तो नहीं हूं, और अगर आप ऐसी बातें मुझसे नहीं करेंगे तो ठीक होगा। ओके, तो बैठो ना, सिट सिट। हाँ, तो सबसे पहले मैं यही जान लेता हूं कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। तो चलो बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या पसंद नहीं, बोलो। अरे बोलो ना, अब नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। बोलो प्रिया। सोच रही है मेरी गुड़िया? कुछ नहीं मम्मा। तो फिर मम्मा को ऐसा क्यों लगा कि मेरी फ्रूटी कुछ सोच रही है? अभी मम्मा को नहीं बताएगी, बता ना। मम्मा, हमारे स्कूल में रामलीला हो रही है ना? हाँ, हो तो रही है। तो उसमें सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ आएंगे ना? मेरे पापा वहाँ पे नहीं होंगे मम्मा। अगर वो हमारे साथ होते तो कितना मजा आता। मजा तो बहुत आता, पर कोई बात नहीं, हो सकता है ना कि पापा अगले दशहरे से पहले इंडिया वापस आ जाए, फिर तो हम रामलीला साथ साथ देखा करेंगे ना। ऐसा होगा मम्मा? हाँ, क्यों नहीं होगा। मैं करूंगी ना तेरे पापा को फोन करके कहूंगी कि फ्रूटी के पापा, फ्रूटी आपको बहुत मिस करती है। तो क्या पता तेरे पापा अगले दशहरे से पहले घर आ जाए। इसका बहुत मजा आएगा मामा। मैं गॉड से प्रेयर करूंगी कि मेरे पापा को जल्दी भेज दी। हाँ बताओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में रामलीला हो रही है ना, उसमें मैं भी हूँ। तो तुम रामलीला कर रहे हो? यस, जो कर लिया तो कर लिया, आपको तो पता है ना। हाँ, पता है। एक बार तुम अपनी कमिटमेंट कर लेते हो तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। करेक्ट। तो
तो तुमने रामलीला के लिए हाँ कर दिया ना? वेरी गुड। सर चलो हम तीनों को मॉम ने बुलाया। कोई खास बात? पता नहीं। चलो चलो नानी ने बुलाया। चलो 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 चलो। तो भाई बता भी दो सब लोगों को बुलाया क्यों यहाँ पे? थोड़ा सबर कर लो, सब लोग को इकट्ठे ही बताऊंगी, सबको आने दीजिए। अरे भाई सबर करते करते जिंदगी निकल गई यहाँ। लीजिए आगे आगे। हाँ बैठ बैठ। क्या बात है मॉम, आज सबको एक साथ? हाँ बेटा, मुझे तुम सबको एक खास बात बतानी है। पंडित जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दशहरे वाले दिन शाम को 5 बजे शुभ मुहूर्त है। किस बात का मुहूर्त मॉम? शांति पाठ का। मैंने पंडित जी से बोला हुआ था इस घर के सुख शांति के लिए पाठ करवाने के लिए। वो कह रहे थे कि पाठ और सत्यनारायण भगवान की महापूजा दशहरे वाले दिन ही करा ले, क्योंकि ऐसा मुहूर्त फिर 4 साल बाद ही आएगा। लेकिन नाना, दशहरे के दिन स्कूल में रामलीला है ना? हाँ, अरे दशहरे के दिन तो इसके स्कूल में रामलीला है। मामा पंडित जी से कहकर कोई और मुहूर्त निकलवा लीजिए, जो भी सेकंड बेस्ट मुहूर्त हो, तो क्योंकि दशहरे के दिन तो कृष्ण के स्कूल में रामलीला है और ये उसमें परफॉर्म कर रहा है। एटलीस्ट मेरे लिए तो मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कल तो कृष्ण के स्कूल जाऊंगा और उसकी परफॉर्मेंस देखूंगा। अरे भाई अपने डुगू की रामलीला देखने तो मैं भी जाऊं। सिद्धार्थ बेटा ये तो बच्चा है, आपको तो समझ है ना कि ये पूजा पाठ मैंने डुगू के मंगल के लिए रखवाया है। इसकी कुंडली में 2-4 दोष है जिसको शांत करने के लिए पूजा पाठ करवाना जरूरी है, और हमें अपने बच्चे की खुशी से पहले उसकी भलाई देखनी चाहिए ना बेटा, है ना? भाई बात तो तुम्हारी ठीक है कृष्णा, तुम्हें काम करो, पंडित जी को 1100 रुपए और दे दो, है ना? इसी महीने में दूसरे 3-4 मुहूर्त निकाल के दे देंगे वो तुम्हें। आपको तो ना मजाक ही सुस्ता रहता है। अरे कम से कम भगवान के मामले में तो मजाक मत कीजिए, पाप लगता है। सिद्ध बेटा आप तो समझदार है ना, आप ही बताइए क्या करें। कोई बात नहीं मॉम, आप डुगू के लिए पूजा करवाना चाहती हैं, हो जाएगी, लेकिन हम डुगू का दिल नहीं तोड़ेंगे। आप नताशा और देवांग यहाँ घर पर डुगू के मंगल के लिए पूजा करवाना, मैं और डैड डुगू की खुशी के लिए उसके साथ उसके स्कूल जाकर उसकी रामलीला में परफॉर्मेंस देखेंगे। क्यों डैड? परफेक्ट आइडिया, वाह क्या बात है। I love you, Dad. Love you too. Good night. Good night, man. देखा, देखा मेरा दामाद एक चुटकी में हल निकाल दिया किसी भी प्रॉब्लम का, है ना? चलो बेटा, हम बाहर जाके खेलते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? तू देखना दशहरे वाले दिन तेरे डैड घर से कदम भी कैसे बाहर रखते हैं, उनको तो मैं संभाल लूंगी। बस तू सिड को दुगु के स्कूल जाने से रोक लेना, समझी? मैं आती हूं। सारी किताबें रख ली? यस डैड।
क्या हुआ नताशा? मॉम रात भर सोई नहीं, यू नो। क्यों? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मन ठीक नहीं है सर। अरे उन्होंने पहली बार हमारे बेटे के लिए घर पर इतनी बड़ी पूजा रखवाई है, और जिसके लिए पूजा रखवाई है वही पूजा में शामिल नहीं होगा। तुम दोनों बाप बेटे ना सचमुच बहुत सेल्फिश हो। अपनी खुशी के आगे किसी और की फीलिंग्स की तुम दोनों को परवाह ही नहीं। अरे अगर एक दिन इसका स्कूल मिस करवाकर तुम पूजा के लिए बैठ जाओगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? हाँ नताशा, आज सुबह जॉगर्स पार्क से लौटते वक्त मैं देवी माँ के मंदिर गया था और वहाँ पर मुझे पुजारी जी मिले थे। तो पंडित जी का कहना है कि घर में पूजा रखवाना इम्पोर्टेंट है। पूजा में कौन शरीक होता है इससे पूजा के फल पर कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट लोग तो तीर्थ स्थानों में पैसे भिजवा कर किसी और के नाम की पूजा करवाते हैं और उन्हें फल भी मिलता है। आई होप तुम ये बात मॉम को समझा सको और अपनी बेटे की खुशी पर ज़्यादा ध्यान दोगी। देर हो रही है, मैं इसे स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। चलो बेटा आजा। सिट, वेट, डू मी अ फेवर प्लीज। ये बातें जो तुम मुझे समझा रहे हो प्लीज तुम जाके मॉम को समझा दो। मेरे लिए कृष को स्कूल छोड़ना ज्यादा आसान है, मॉम को तुम समझाओ प्लीज। चलो। अरे नताशा, नियति मैम। हाय शिवांगी। गुड मॉर्निंग अंशिका। गुड मॉर्निंग मिस। रेडी फॉर रामलीला? यस मिस, आई एम रेडी। इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं अपनी सीता मैया को अपने साथ ले जाऊं? ले जाइए अपने सीता मैया को। आपको पता है फ्रूटी, जो रोल आज आप प्ले करने वाले हो ना, वो रोल दुनिया में सबसे बड़ा रोल है। उससे बड़ा कोई रोल नहीं है। और वैसे भी आज का दिन तो स्पेशल है ना, दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। मैं अपनी फ्रूटी के लिए गॉड जी से प्रे करूंगी कि भगवान जी आज का दिन मेरी फ्रूटी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मा। जाओ। थैंक्स नियति मैम, आज आपने मुझे भी दशहरे के बारे में काफी अच्छी अच्छी लाइंस दे दी। मैं अपने क्लासरूम में जाकर बच्चों को दशहरे के इम्पोर्टेंस के बारे में आपकी ही लाइंस यूज करने वाली हूँ। चलो अंशिका। बाय मिस। बाय बाय। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बैठो अंशिका। सारे बच्चे आ गए? यस मिस। वानर सेना भी आ गई, सीता भी आ गई, लेकिन हमारे राम कहाँ हैं? मैं आ गया मिस। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। चलो राम जी बैठिए। यस मिस। तो आज मैं आप सभी को रामायण के कुछ पात्रों के बारे में बताऊंगी, ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड कृष्णा, जो पूजा पिछले 5 सालों में इम्पोर्टेंट नहीं थी अचानक आज कैसे इम्पोर्टेंट हो गई? अरे वो बच्चा अपने स्कूल में पहली बार परफॉर्म करने जा रहा है, उसकी खुशी का तो ख्याल करो। मेरे लिए उसकी खुशी से पहले उसकी भलाई है, समझे? और आप भी घर की पूजा छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अरे आप हेड ऑफ फैमिली हैं, आपको दूसरों को समझाना चाहिए, यहाँ तो उल्टा मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। कृष्णा तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ मिस्टर राम। आजकल मेरी बातों की, मेरी भावनाओं की सच पूछिए तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अब डैड पे गलत इल्जाम लगा रही है मां। वो आपकी बहुत कदर करते हैं, लेकिन घर की पूजा को छोड़कर अगर वो डुग्गू के रामलीला का प्ले देखना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी तरह वो भी चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे का पहला परफॉर्मेंस वो देख सकें। आई एम श्योर आप भी डुग्गू का पहला परफॉर्मेंस देखना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि घर में पूजा है तो यहाँ रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। देखा, सेठ को ये बात समझ में आ गई है कि
घर की पूजा कितनी इम्पोर्टेंट है मॉम, लेकिन मैंने देवी माता के मंदिर के पुजारी जी से बात की है। उनका कहना है कि दशहरे के दिन अगर सत्यनारायण की पूजा करवाओ तो कमजोर ग्रह बलवान तो हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि घर के सारे लोग इस पूजा में शामिल हो। घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर इस पूजा में शामिल हो तो घर के सारे लोगों को इसका फल मिलता है। आप बस बाद में आकर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारी तरफ से नताशा इस पूजा में बैठेगी और मैं और डैड डुगू का प्ले देखने उसके स्कूल जाएंगे और बाद में आके प्रसाद खा लेंगे। इससे बच्चा भी खुश और भगवान भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बताया पुजारी जी। अब हमारी फैमिली से तुम बैठ जाना पूजा में और मैं आकर के प्रसाद ले लूंगा, है ना? चलो अंशिका, आप अपने डायलॉग्स बोल के दिखाओ। चलो चलो स्टार्ट। हे प्रभु, आप मेरे परमेश्वर हैं। आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। आपके आज्ञा के पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी आज्ञा से अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगी। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी ने अपने अपने रोल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए। तो चलो आज हम रामलीला की ड्रेस रिहर्सल करेंगे, ठीक है? लो अंशिका, ये तुम्हारा ड्रेस। थैंक यू मिस। और क्रिश, ये तुम्हारा। थैंक यू। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी सब जल्दी जल्दी से जाकर अपनी ड्रेस पहन लेना, फिर हम ड्रेस रिहर्सल करेंगे, ठीक है? जल्दी से रेडी हो जाओ। ये शिवांगी भी ना पढ़ाना पढ़ाना तो जानती नहीं, ड्रामा मर्जी है जितना करवा लो। ये माइथोलॉजिकल ड्रामास भी बच्चों की एजुकेशन का एक हिस्सा ही है। इनसे भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैम आप शाम को देखिएगा ना, जब ये बच्चे रामलीला करेंगे तो आप पहचानेंगे भी नहीं इनको, और शायद तब आपको समझ में आ जाएगा कि शिवांगी इतने दिनों से इतनी मेहनत से इन बच्चों को क्या क्या सिखा रही थी। सर, तुम मॉम की इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैं मॉम की कोई भी बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता। एंड फॉर व्हाट नताशा, ये बात मानूं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे छोटे से बेटे का दिल दुखे? तुम मुझे समझा रही हो? तुम्हें मॉम को समझाना चाहिए। तुम्हारे लिए अपने बेटे की इतनी छोटी सी ख्वाहिश का कोई मतलब नहीं है सिर, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बच्चे की भलाई उसकी ख्वाहिश से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटे से बच्चे को उदास करके तुम उसकी कौन सी भलाई कर लोगी? बिलीव मी सिर, डुगू उदास नहीं हो, उसे खुश रखना, खुश करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूंगी। नताशा प्लीज, तुम बात को समझ ही नहीं रही। आज डुगू के फ्रेंड्स के सारे माँ बाप वहाँ पर आएंगे उन्हें चेयर करने के लिए, उनके लिए तालियां बजाने के लिए। और डुगू जो रामलीला में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो राम का रोल प्ले कर रहा है, उसके मॉम डैड उसे चेयर करने के लिए नहीं आएंगे। तुम सोचो उस पर क्या बीतेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डुगू की लाइफ की पहली परफॉर्मेंस देखने जरूर जाऊँ। और वैसे भी डैड तो पूजा में बैठे हैं। तो तुम्हारा डिसीजन फाइनल है कि तुम जाओगे ही जाओगे?